ऑनलाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवीद खान। मेरठ पुलिस ने डॉक्टर की क्लिनिक पर गन पॉइंट पर हुई लूट का सनसनीखेज बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। मामला मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित डॉक्टर विकुल त्यागी की क्लिनिक का है, जहां दिन दहाड़े क्लिनिक के स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर दो बाइक सवार बदमाशों ने 30,000 रुपए कैश लूट लिए थे। वो खबर भी हमने आपको दिखाई। मेरठ नौचंदी पुलिस टीम, स्वैट टीम और सर्विलेंस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस लूट का जो खुलासा किया है वो बेहद बेहद चौंका देने वाला है। असल में ये लूट डॉक्टर विकुल त्यागी की क्लिनिक में पूर्व में कार्यरत महिला के बॉयफ्रेंड मास्टरमाइंड था और उसके साथी शामिल थे। एक आरोपी जिसका नाम नगेंद्र प्रताप सिंह है। और चौंका देने वाली बात यह कि नगेंद्र साइंस ग्रेजुएट होने के साथ मेडिकल का डिप्लोमा सीएमएस ईडी भी किया हुआ है और वो खुद मेरठ के सरधना क्षेत्र के छुर गांव में क्लिनिक भी चलाता है। अब पूछताछ में नगेंद्र ने जो पुलिस को बताया कि उसका क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा था, उसे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तो उसने अपने दोस्त पंकज को इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड है वो शामिल है। पूर्व में पंकज को नगेंद्र ने 45,000 रुपए उधार दिए थे। नगेंद्र ने पंकज से अपने पैसे मांगे तो पंकज ने इस लूट का प्लान बना डाला। लूट में नगेंद्र, उसका साथी पंकज और पंकज का भांजा पार्थ शामिल था, जिसमें से कि पंकज और पार्थ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंकज ने कहा कि डॉक्टर विकुल त्यागी के यहाँ जाकर से धमका कर तुमको 1.5 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। पंकज ने यह भी कहा कि डॉक्टर विकुल का स्टाफ उसको पहचानता है, क्योंकि उसकी एक पुरानी महिला मित्र उस डॉक्टर विकुल त्यागी के यहाँ नौकरी करती थी, तो वो वहां नहीं जा सकता, तो उसका वहां जाना ठीक नहीं होगा। लूट की घटना के दिन पंकज अपनी स्प्लेंडर बाइक पर और नगेंद्र और पार्थ दूसरी बाइक पर पहुंचे। उसके बाद पंकज वहीं रुक गया और नगेंद्र और पार्थ ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया और लूटे हुए पैसों को तीनों ने, यानी पंकज, नगेंद्र और पार्थ ने आपस में बांट लिया। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके लिए मेरठ पुलिस ने 5 टीमें गठित की गई थी इस घटना का खुलासा करने के लिए। और 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद इस लूट का खुलासा हुआ है। इसमें नगेंद्र हिरासत में, वहीं पंकज और पार्थ की तलाश में पुलिस